हे गाइस, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं Realme 5s का Realme 3i के साथ। दोनों ही बजट फोन्स हैं। अभी Realme 3i यार लॉन्च हुआ था, इसका छोटा भाई भी आप इसे कह सकते हो, और Realme 5s दोस्तों ये तो अभी रिसेंटली फोन लॉन्च हुआ है। दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करेंगे, मैसिव कंपैरिजन होगा, स्पेक वाइज होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फोन बाय करना है। तो बिना किसी देरी के यार कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और आपके कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हो टेक्नोशिफ्ट चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, अब शुरू करते हैं हम कंपैरिजन Realme 5s और Realme 3i के बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, वो होगा हमारा डिजाइन। तो दोस्तों, डिजाइन आपको काफी बेहतरीन मिल जाता है दोनों ही फोन्स के ऊपर। और Realme 5s की अगर मैं बात करता हूं तो आपको ग्रेडियंट फिनेश और साथ में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी बैक में देखने के लिए मिल जाती है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और एक फिंगरप्रिंट की पोजीशनिंग देखने के लिए मिल जाती है बैक में, और सामने आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट में। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं आपसे Realme 3i की, तो यहां भी आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने के लिए मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यहां भी देखने के लिए मिल जाती है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है और आपको यहां पर डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, यार क्वाड कैमरा सेटअप नहीं होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले एस्पेक्ट, तो वो होगा डिस्प्ले। तो दोस्तों, Realme 5s का डिस्प्ले भी काफी बेहतरीन है और इसका भी डिस्प्ले काफी अच्छा है Realme 3i का। तो यहां पर Realme 5s के अंदर आपको 6.5 इंचेस का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें एक ड्यू ड्रॉप नॉच भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब और साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों, बात करता हूं मैं आपसे Realme 3i की डिस्प्ले की, तो यहां आपको 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा और एक ड्यू ड्रॉप नॉच भी देखने के लिए मिल जाएगी और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है यार, थोड़ा सा स्क्रीन बिग होगा Realme 5s का। अब दोस्तों, बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए यार थोड़ा सा दमदार प्रोसेसर आपको मिल जाता है Realme 5s के अंदर। यहाँ आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और GPU इसका काफी स्ट्रॉन्ग है यार। आप MIA3 के अंदर भी इस फोन चिपसेट को देख चुके हैं, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ था और काफी अच्छा आप इसमें PUBG और गेमिंग वगैरह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम Realme 3i के अंदर आपको कौन सा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी या कौन सा प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ आपको MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, ये भी काफी कैपेबल प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह काफी अच्छे से आप इसमें कर सकते हैं, बेहतरीन प्रोसेसर है, अच्छी तरीके से आप इसमें PUBG वगैरह खेल पाएंगे। तो कोई ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू Realme 3i, Realme 5s का प्रोसेसर थोड़ा आपको ज्यादा दमदार देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी 5000 mAh की देखने के लिए मिलती है यहाँ आपको Realme 5s के अंदर, और साथ में आपको 10 वॉट चार्ज का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। काफी अच्छा है यार, 10 वॉट चार्ज तो कम से कम आपको मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों, आपको बैटरी 4230 mAh की देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके OS की, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ आपको कलर OS 6 देखने के लिए मिल जाता है और साथ में एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अपडेट्स वगैरह यार कलर OS की आ ही रही है, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टोरेज की, तो दोस्तों स्टोरेज वेरिएंट Realme 5s के अंदर दो वेरिएंट आपको मिलते हैं, 4/64 वाला वेरिएंट आपको मिलेगा और साथ में एक 4/128 GB वाला वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात करता हूं मैं आपसे, तो 4/64 वाला जो वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग 9999 की रखी है Realme ने, और साथ में आपको जो 4/128 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग आपको 10999 की मिल जाती है। अब दोस्तों, बात करता हूं मैं आपसे Realme 3i की, तो यहां पर आपको 3/32 वाला वेरिएंट मिलेगा और 4/64 वाला वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। अगर दोस्तों बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की, तो 3/32 वाला वेरिएंट आपको 7999 में मिलेगा और 4/64 वाला वेरिएंट आपको 9999 में देखने के लिए मिल जाता है। तो यार प्राइसिंग काफी अच्छी है, काफी अच्छी तरीके से आपको मिल जाते हैं मोबाइल्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके सेंसर्स की, तो सभी सारे सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बेसिक सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक आपको देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर। अब दोस्तों, बात करते हैं मेन डिफरेंस इन दोनों मोबाइल्स के अंदर जो क्रिएट करता है वो है कैमरा। यहाँ पर आपको जो कैमरा है यार, क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है आपको Realme 5s के अंदर, और वहीं आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है Realme 3i के अंदर। तो दोस्तों, Realme 5s के अंदर आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर होता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल होगा, और वहीं 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर होगा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस होगा।
वही दोस्तों यहाँ पर आपका 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, एक मेन सेंसर होगा, दूसरा आपका डेप्थ के लिए होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा कौन सा मिलने वाला है। तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। सेल्फी वगैरह यार काफी अच्छी आती है क्योंकि ओप्पो रियलमी बहुत अच्छे कैमरा फोन्स बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरी तरफ से यार क्या चॉइस होगी, तो मैं तो आपको सिंपली कहूंगा यार रियलमी 3i से बेहतर चॉइस है आपके पास रियलमी 5s, तो जरूर से आप रियलमी 5s को लें, ना कि रियलमी 3i को। अगर आपका बजट कम है, 7-8 हजार रुपए के बीच में आपका बजट है, तो आप देख सकते हैं रियलमी 3i को, नहीं तो मेरी सलाह तो पूरी तरीके से ये होगी कि आप रियलमी 5s को लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कैमरा एडवांस देखने के लिए मिल रहा है, बैटरी के अंदर फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, डिजाइन बेहतर देखने के लिए मिल रहा है, और प्रोसेसर भी यहाँ पर कैपेबल मिल रहा है, आपको काफी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। तो मुझे ये फोन Realme 5s Realme 3i से बेहतर लगा, इसीलिए मैंने आपको बताया, मैं टोटली रिकमेंड करता हूँ Realme 5s को। अब दोस्तों ये था इस कंपैरिजन के अंदर, उम्मीद है आपको कंपैरिजन काफी अच्छा लगा होगा, और आप Realme 5s को अगर प्यार करते हैं तो यार जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि Realme 5s या फिर Realme से रिलेटेड कंपैरिजन वगैरह की काफी सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं, तो आपका प्यारे यार चैनल को मिलना चाहिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।